शुरू होने जा रहे हैं, छात्र इन कोर्स में दाखिला ले सकते हैं? किस तरीके से एडमिशन होगा, क्या होगा क्राइटेरिया? हमारे साथ बात करने के लिए कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर आर के गुप्ता साहब हैं, आइए उन्हीं से बात करते हैं। सर, किस तरीके से ये कोर्स होगा और कोर्स का क्या नाम है, छात्र किस तरीके से इसमें दाखिला ले सकेंगे? सबसे पहले तो मैं बहुत खुशी के साथ ये जानकारी देना चाहूँगा कि इस एकेडमिक सेशन 2020-21 के लिए UGC की एक स्कीम नेशनल स्किल क्वालिफिकेशंस फ्रेमवर्क, उस स्कीम के अंतर्गत हमने अप्लाई किया था और उस स्कीम के अंदर दो कोर्सेज जो डिप्लोमा कोर्सेज होंगे वो इस कॉलेज को सैंक्शन हो गए हैं, जिसके बारे में हमें अभी ही जानकारी मिली। यह आप कहेंगे कि कॉलेज में तो कोर्स और भी चलते रहते हैं तो इसमें क्या ऐसी खास बात है? खास बात यह है कि और बाकी कोर्सेज डिग्री कोर्सेज हैं, 3 साल बच्चे को पढ़ना होता है, नए एजुकेशन पॉलिसी में उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, वो आगे की बात है, लेकिन यह जो कोर्स है डिप्लोमा कोर्स होगा, 1 साल का ही केवल पीरियड होगा, शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन होगा, और इस वजह से यह बच्चे इस कोर्स को करने के बाद जो दूसरा बहुत अच्छा फीचर है उनकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि ये जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज हैं। तो इस तरह का यह कोर्स, दो कोर्सेज हमारे यहाँ सैंक्शन हुए हैं। आपने पूछा किस तरह से इसका एडमिशन्स करेंगे, तो एडमिशन की एक बकायदा ट्रांसपेरेंट पॉलिसी रहेगी, प्रक्रिया रहेगी एक कमेटी के द्वारा, और हम उसमें जो जितनी सीट्स सैंक्शन की गई हैं उन सीट्स के मुताबिक हम एडमिशन्स करेंगे, और एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंतर्गत जो मेरिट लिस्ट बनेगी उस मेरिट लिस्ट के अनुसार इन बच्चों का एडमिशन्स होगा। सर, मैं जानना चाहूँगा कौन कौन से वो कोर्स है जिनमें छात्र दाखिला ले सकेंगे? बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया, क्योंकि कोर्सेज के बारे में जानना ज़रूरी है। एक डेटा एनालिटिक्स का कोर्स है और दूसरा कंज्यूमर एजुकेशन एंड अवेयरनेस का कोर्स है। दोनों ही कोर्सेज जिन्हें हम आज की भाषा में कहें तो उनकी मार्केटेबिलिटी बहुत अच्छी है, ज़्यादा है। मैं बार बार इस बात पर इसलिए स्ट्रेस दे रहा हूँ, जोर दे रहा हूँ कि बच्चा जैसे ही स्टूडेंट इन कोर्सेज को पूरा करेगा उसको मार्केट में, जॉब मार्केट में प्लेसमेंट मिलने के बहुत अधिक चांसेस हैं, क्योंकि कोर्स का स्ट्रक्चर ही इसी प्रकार से किया गया है। एक किसी इंस्टीट्यूट के साथ भी एफिलिएशन हमें करना पड़ेगा इस कोर्स के लिए, उन कोर्सेज में, उन इंस्टीट्यूट्स में वहाँ बच्चों को ऑन द जॉब ट्रेनिंग या ऑन साइट ट्रेनिंग भी दी जाएगी, जिससे प्रैक्टिकली क्या होता है वो एक्सपोजर उनको मिल सके, बच्चे को समझ आ सके, और कोर्स कंप्लीट होने के बाद उसको यह दुविधा नहीं रहे कि मैंने पढ़ा तो कुछ और था और असल ज़िंदगी में वो चीज़ मिलती नहीं है, कहीं दिखाई नहीं देती, तो यह दुविधा ना रहे, इसलिए कोर्स के दौरान ही उनको एक्चुअल रियल वर्ल्ड का एक्सपोजर दिया जाएगा, जहाँ पर वहाँ पर उनकी ट्रेनिंग भी होगी, वो कोर्स का एक पार्ट होगा। सर, एडमिशन प्रक्रिया कब से शुरू होगी और इस कोर्स में दाखिला कौन ले सकेगा, क्या कोई क्वालिफिकेशन इसके लिए निर्धारित की गई? जी, जो फाइनल ईयर में इस समय स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं, पास आउट हो चुके हैं, वो सभी इस कोर्स के लिए एलिजिबल हैं, और इसकी प्रक्रिया के लिए जैसे मैंने शुरू में भी कहा एक कमेटी हम गठित करने वाले हैं शीघ्र ही, और कमेटी यह डिसाइड करेगी कि किस प्रकार से एडमिशन का प्रोसेस शुरू किया जाए। कोई डेडलाइन की इतने तारीख तक कंप्लीट करना है? जी, जो UGC ने अभी डेडलाइन दी है वो 30 अक्टूबर तक हमें कहा गया है कि 30 अक्टूबर तक ये एडमिशन की प्रक्रिया को पूरी कर लिया जाए, और हम निश्चित रूप से उस डेडलाइन तक सारी एडमिशन की प्रक्रिया पूरी कर लेंगे। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ PGDAV इवनिंग कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर आर के गुप्ता साहब, जिन्होंने बताया कि इस बार PGDAV इवनिंग कॉलेज में छात्र दो नए कोर्स में भी दाखिला ले सकते हैं, लेकिन यह कोर्स शॉर्ट टर्म है। गणेश पाठक, ETV भारत, दिल्ली।